तो मैं आ रहा हूँ कैसे कहूँगा? मैं आ गया हूँ तो कैसे कहूँगा? क्या तुम आते हो? Do you come? मैं आता हूँ तो? Yes, I come. मैं नहीं आता? I don't come. देखो स्टार्टिंग हम सारा रिवाइज कर रहे हैं, एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जितना सीखा सारा कुछ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने क्या बोला? I teach. मैं पढ़ाता हूँ कैसे बोलेंगे? I teach. आई के पास सीधा एक्शन लगाना, क्या लगाना है बेटा? Action. क्या लगाना है? Action. लाउडली Action. मैं पढ़ाता हूँ कैसे कहूंगा? I teach. यानी कोई भी काम जो मैं करता हूँ आई के पास सीधा एक्शन लगा दूंगा। मैं खेलता हूँ तो I play. मैं डांस करता हूँ तो I dance. मैं जाता हूँ तो I do. मैं पढ़ाता हूँ तो I teach. मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। आई के पास सीधा एक्शन लग रहा है। एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब। एक्शन का मतलब वर्ब यानी कोई भी काम। अब क्या करते हो बेटा? क्या करते हो? नहीं 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 पूछ नहीं रहे, इंग्लिश नहीं, क्या करते हो पूछ रहा हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। क्या बोलेगा? आई लर्न इंग्लिश। आप क्या करते हो? सेम कॉपी, इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। आप क्या करते हो? आई प्ले बैडमिंटन। तो आई के पास सीधा एक्शन लग रहा है ना। जैसे मुझसे पूछोगे सर आप क्या करते हो, पूछो ऐसे नहीं, ऐसे हाथ निकालो। इंग्लिश में पूछोगे सर व्हाट डू यू डू सर, कैसे बोलेंगे? ऐसे हाथ उठा बेटा ऊपर, बोलो व्हाट डू यू डू सर। मैं पढ़ाता हूँ। आई के बाद टीच लग जाएगा। आई टीच कैसे बोलूंगा? आई टीच। मैं पीटता भी हूँ। I also क्यों लगा रहे हो? I beat also. ये also जो है ना जिसके साथ लग जाता है वो उसी को क्या करता है? Qualify करता है। अगर मैंने कहा ना I also beat मतलब क्या है? मैं भी पढ़ाता हूँ, मतलब कोई और भी पढ़ाता है, समझे? इसीलिए जब हम बोलते हैं ना आई लव यू टू क्या बोलते हैं? बोला किसी को ऐसे सामने से किसी ने बोला है? आपने आई लव यू बोला है ना? आई लव यू बोलते हैं तो रिप्लाई क्या आता है? थप्पड़। सही कह रहा है, एक्सपीरियंस है, फुल एक्सपीरियंस है। तो क्या आता है? थप्पड़। कभी कभी जूते चप्पल है ना, ढंग से बता। अब बता ही दिया तो खुल के बता। तो मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने क्या बोला? आई टीच। जो आई लव जो ये सेंटेंस आपने बोला ये भी क्या है? आई एक्शन ही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलो आई लव यू। क्या बोलते हैं? अब सामने से रिप्लाई आता है आई लव यू टू। क्या आता है? आई लव यू टू। अभी टू भी गलत लगा दिया। पूछो सर भाई, जैसे ऑल्सो गलत लगाया था ना आपने अभी, ऑल्सो में क्या था बताओ? आपने क्या किया था कि आई ऑल्सो टीच मतलब मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या आना चाहिए था? आई टीच ऑल्सो मैं पढ़ाता भी हूँ, है ना? मैं पीटता भी हूँ तो आई बीट ऑल्सो, लेकिन आई ऑल्सो बीट यानी मैं भी पीटता हूँ, कोई और भी पीटता है, यहाँ पे सभी पीटते हैं, तो ऐसी फीलिंग आ रही है। आपने बोला आई लव यू टू तो यू के साथ लग गया, मतलब क्या हो गया? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और तो पता नहीं कितनी सारी हैं, है ना? अगर वो सही मीनिंग समझ जाए इस चीज़ का फिर तो आपका सच में जूते चप्पल आएंगे, है ना? तो जो जहाँ पे टू लगेगा उसी को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। तो आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो आई के साथ लगना चाहिए था ना, आई टू लव यू। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ कैसे? मैं एक तो इतना बोलूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, है ना? मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अगर मैंने अब टू लगाया है और मैंने इंग्लिश के साथ लगा दिया आई टीच इंग्लिश टू या फिर ऑल्सो कुछ भी लगाया मैंने, दोनों का मतलब क्या है? भी। आई टीच इंग्लिश ऑल्सो, यानी मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ यानी कुछ और भी पढ़ाता हूँ। अगर मैंने आई के साथ लगाया है ऑल्सो, I also teach English, यानी मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ यानी कोई और भी पढ़ाता है। समझ पाए मेरी बात? Yes, sir. तो जहाँ पर लगाएंगे वही मीनिंग देगा। तो I love you too की जगह क्या बोलना चाहिए? I love you. नहीं बोलना चाहिए। पूछो सर भाई। सर भाई। देखो बोलने को तो आप स्पोकन में तो आप कुछ ही बोलोगे, क्योंकि मैं स्पोकन में बार बार बताता हूँ कि ग्रामेटिकली इतनी चीज़ें नहीं देखी जाती है ना, मैसेज क्लियर होना चाहिए। उसमें एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो फिर तो जूते चप्पल आ रहे थे, राइट? तो इसीलिए मैसेज क्या होना चाहिए हमारा? क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने बोला, बस एग्जैक्ट ग्रामर की बात करूँ तो मैं इसका आंसर होता है आई लव यू का सो डू आई। ये तो कभी नहीं सुना होगा आपने, क्या होता है? So do I. तो जब भी आपको बोलना ना कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो आपने कहा कि मैं भी ऐसा करता हूँ, तो रिप्लाई क्या होता है? सो डू आई। क्या होता है? सो डू आई। मैं नहाता हूँ तो I आप नहीं नहाते ना, यू डोंट टेक अ बाथ, कैसे बोलेंगे? यू नॉट टेक अ बाथ। नोट कैसे आ जाएगी बेटा? डू नॉट होता है ना, यू डोंट टेक अ बाथ। सर मैं भी नहाता हूँ, सो डू आई। क्या होता है? सो डू आई। लेकिन आई टेक बाथ ऑल्सो, आई ऑल्सो टेक बाथ, अगर आप ऐसे बोलना चाहोगे तो वो भी क्लियर है मैसेज स्पोकन में।
ज़्यादा ग्रामेटिकल थोड़ा एग्जाम्स की बात हो तो आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्पोकन में इतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्लियर है। अब ज़्यादा ग्रामेटिकल टॉपिक्स हम नहीं सीख रहे, हम आते हैं मेन प्रैक्टिस पर। आई के बाद एक्शन कब लगाते हैं? जब कोई भी काम करते हैं रेगुलर बेस पे करते हैं तो बोलूंगा आई एक्शन। क्या बोलूंगा? आई एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इतना क्लियर है। अगर मैंने कहा वो ऐसा करता है, वो कौन? अरे वो देखो उसे, बोलो वो। शी किसने लगा दिया? अच्छी भली मूछे आई हुई है, कह रहा शी। ही क्या है? वो ही। जब वो ऐसा काम करता है तो बोलेंगे, ऐसा काम नहीं मतलब कोई भी काम करता है तो ही एक्शन ऐसी है। क्या बोलेंगे? ही एक्शन ऐसी है। वो पढ़ाता है, ही टीच। यानी एस लगा देंगे ना, मैं पढ़ाता हूँ तो रोहित सर पढ़ाते हैं, कार्तिक सर पढ़ाते हैं, उर्वासा मैडम पढ़ाती हैं। नाम ही मुश्किल हो गया सर, सेंटेंस में मुश्किल नाम हो गया। चलो मैडम पढ़ाती हैं, मैडम टीचर्स। क्या बोलेंगे? मैडम टीचर्स। मैं खेलता हूँ, तुम खेलते हो, यू प्ले। वो खेलता है, यू प्ले। कौन खेलता है? हू प्लेस। विराट कोहली खेलता है, विराट कोहली प्लेस। विराट कोहली प्ले। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। तुम करते हो, यू डांस। ऋतिक रोशन करता है, ऋतिक रोशन डांसेस। क्या तुम डांस करते हो, यू डांस। यानी काम करता हूँ तो आई एक्शन, वो करता है ही एक्शन, ऐसी है। क्लियर यहाँ तक? Yes, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, वो पढ़ाता है तो ही टीचेस। अगर हम मना करेंगे मैं नहीं करता भाई ये काम, बोलो आर्यन मैं नहीं करता ये काम, मैं बोलता ही नहीं हूँ सर क्लास में, कितना ही बोलवा लो, मैं नहीं बोलता, आई डोंट। मैं तो बोलता हूँ, कैसे बोलोगे? आई स्पीक। कैसे बोलोगे? ये क्या बोलेगा? मैं नहीं बोलता, गाली देते हो ना। अरे पूछना नहीं है अभी, बोलो देता हूँ गाली। यस आई अब्यूज। फिर से बोलो। यस आई अब्यूज। यस आई अब्यूज। आप क्या कहोगे? सर मैं गाली वाली नहीं देता। आई डोंट। पूछें कैसे गाली देते हो क्या? Do you abuse? मैं देता हूँ तो? Yes, I abuse. मैं नहीं देता? No, I don't abuse. क्या तुम गाली देते हो? Do you abuse? अब पूछेंगे तो डू यू एक्शन होता है, मैं करता हूँ आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन, वो करता है ही एक्शन, ऐसी है। अगर हमने पूछा क्या आप ऐसा काम करते हो, क्या करते हो, क्या आप ये काम करते हो, कोई भी काम हो सकता है ना। डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू गो, डू यू कम लेट, राइट? क्या उबासी लेते हो आप क्लास में रोज? डू योन। योनिंग कैसे हो जाएगा? डू योन इन द क्लास। कैसे बोलेंगे? Do you yawn in the class? मैं लेता हूँ तो? Yes, I yawn in the class. मैं नहीं लेता? I don't yawn in the class. बोलते नहीं है। देखो मैं नहीं करता तो आई डोंट एक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, वो ऐसा काम नहीं करता, आई डोंट एक्शन, और उसके लिए क्या हो जाएगा? ही डजंट एक्शन। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बन रहे थे? अफर्मेटिव हमारे, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, वो पढ़ाता है ही टीचेस, ऐसे ऐसे लग रहा था। मैं खेलता हूँ, वो खेलता है, ही प्लेज। क्लियर यहाँ तक? मैं नहीं करता तो डू नॉट आ जाता है, मैं नहीं खेलता। अगर वो नहीं खेलता तो बोलेंगे ही डज नॉट प्ले, और डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं, राइट? ही डजंट प्ले। बोलो, ही डजंट प्ले। बोलो, ही डजंट प्ले। वो प्रैक्टिस नहीं करता, ही डजंट प्रैक्टिस। ये टाइम से नहीं आती लड़की, शी डजंट कम। इसको देखो, ब्रश नहीं करती लड़की, शी डजंट ब्रश। नितिन टाइम से नहीं आता कभी, नितिन डजंट कम ऑन, डजंट आ जाएगा ना, ही डजंट कम ऑन टाइम। बोलो, ही डजंट कम ऑन टाइम। तुम टाइम से आते हो? मैं नहीं आता टाइम से। कौन टाइम से आता है? सागर टाइम से आता है। ये टाइम से नहीं आता? ये टाइम से आता है। He comes on time. कैसे बोलेंगे? He comes on time. आपको टाइम से आना चाहिए। You should come on time. हमें सीखा था ये भी, सलाह जब देते हैं तो कैसे बोलते हैं? Should लगा देते हैं, है ना? क्या लगा देते हैं? Should. फिर बोलते क्यों नहीं है? आपको बोलना चाहिए, सलाह दो इसे। You should speak. ऐसे नहीं माने, गुस्सा हो जाओ, बोलो यू शुड स्पीक। मोहित जतिन आंखें बड़ी करो, ऐसे उंगली करो, इसकी तरफ देखो, बोलो यू शुड, उधर देख, समझा रहे तेरे को कुछ हो, समझो, बोलो यू शुड स्पीक। ये क्या है, ये स्टाइल नहीं, गुस्सा, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे करो आंखें बड़ी, बोलो यू शुड स्पीक। पूछने से बोलता है क्या तू? बोलो झूठ नहीं बोलना चाहिए तुझे, बोलो। सलाह कैसे देते हैं? बोलो सलाह दो इसको। You should not tell a lie. हाँ, फिर से बोलो। You should not tell a lie. Loudly. You should not tell a lie. सलाह दे, तेज बोला कर तू। You should not tell a lie. अरे इसको सलाह देनी है कि तेज बोला कर।
यू शुड स्पीक अलाउड. अलाउड कह सकते हैं, लाउडली भी कह सकते हैं. अलाउड लाउडली में थोड़ा सा डिफरेंस है. यू नो पूछे कैसे, क्या आपको पता है? मुझे तो नहीं पता भाई, लेकिन इसको पता है. शी नोस. कैसे बोलेंगे उसको? बोल इसको. तुम्हें इसको प्रैक्टिस करानी चाहिए. तुम्हें इसको प्रैक्टिस करानी चाहिए. इंग्लिश में बोलना है, फिर से बोल. तो सिखाते ना, करवाने के लिए मेक लगाते हैं. यू शुड मेक अ प्रैक्टिस. बोलो यू शुड मेक अ प्रैक्टिस. बोलिए सर करता ही नहीं है ना लायक. He doesn't practice. क्या बोलेंगे? He doesn't practice. सर आपको इसे प्रसाद देना चाहिए. You should give him प्रसाद. Should give him प्रसाद. Holy offerings भी कह सकते हैं, offerings भी कह सकते हैं, sacraments भी कह सकते हैं. You should give him offerings. बोलो. You should give him offerings. प्रसाद तो देंगे इसको हम. देंगे. फ्यूचर की जब बात होती है तो हम क्या लगाते हैं बेटा? Will लगाते ना. आई विल एक्शन. क्या बोलेंगे? अब मैं इसको प्रसाद दूंगा. कैसे बोलूंगा? आई विल गिव हिम प्रसाद. कैसे बोलेंगे? अब मैं इसको मसाज दे रहा हूँ. कैसे बोलूंगा? आई एम गिविंग हिम अ मसाज. बोलो. तेज बोल. ऐसे देते ना उसे. तो आई एम गिविंग हिम मसाज. कैसे बोलेंगे? क्या आपको मसाज चाहिए? कैसे बोलेंगे? मुझे तो नहीं चाहिए. टोपी वाले को चाहिए. टोपी वाला, टोपी ओनर, या फिर हु इज हैविंग कैप ऑन द हेड, या हु इज पुटिंग ऑन द कैप. ऐसे भी कह सकते हैं. टोपी वाला क्या हुआ? जिसने कैप पहन रखी है. तो इसने कैप पहन रखी है तो ही इज पुटिंग ऑन. और जिसने पहन रखी है तो हु इज पुटिंग ऑन. कैसे बोलेंगे? हु इज पुटिंग ऑन. फिर से बोलो. हु इज पुटिंग ऑन. दो मीनिंग जा रहे हैं हु इज के, कि किसने पहन रखी है, हु इज पुटिंग ऑन. वो आगे धीरे धीरे हम सीखेंगे, अभी हम बेसिक पे आते हैं, है ना. क्योंकि जो जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हु मतलब कौन, ये जो का भी काम करते हैं, वेयर मतलब कहाँ, तो ये जहाँ का भी काम करता है. जैसे मैंने बोला वेयर आर यू. बोलो. वेयर आर यू. रेड कलर, रेड कलर, वेयर आर यू. बोलो. रेड कलर, रेड कलर, वेयर आर यू. here I am, how do you do. बोलो. here I am, how do you do. where are you. बोलो. where are you. बोलो here I am, here I am. तो जहाँ आप हो वहीं मैं हूँ. मैंने पूछा वेयर आर यू, तो बोलेंगे वेयर यू आर. क्या बोलेंगे? वेयर यू आर. इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आती. जब बोलते ना जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ, राइट. मैंने पूछा कहाँ रहते हो तुम, वेयर डू यू लिव. बोलना भी है. बोलो. वेयर डू यू लिव. बोलो. वेयर डू यू लिव. सो तो नहीं गया मसाज के चक्कर में. कहाँ रहते हो तुम, कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू लिव. जहाँ तुम रहते हो वहीं हम रहते हैं. तो जहाँ तुम रहते हो वेयर डू यू लिव नहीं होगा अब आपके बारे में. आप लोग वेयर यू लिव. क्या बोलोगे? वेयर यू लिव. तो ज्यादा डेप्थ में आगे करेंगे, अभी आ जाते हैं सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस पे, है ना. मैं पढ़ाता हूँ. आई टीच. क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच. मैं नहीं पढ़ाता भाई. आई डोंट टीच. मैं नहीं पढ़ाता. आई डोंट टीच. ये पढ़ाता है. बट ही टीचेस. ये नहीं पढ़ाता. बट ही डजंट टीच. ही डजंट टीच. ही डजंट एक्शन. ही डजंट टीच. क्या बोलेंगे? ही डजंट टीच. ओके, इतना क्लियर है, इतना आगे सबको. अब हम बात कर रहे हैं जतिन पास्ट की. कब की? पास्ट की. बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, बीता हुआ तरसों, बीता हुआ वक्त, यानी जब से आप पैदा हुए तब से आज तक की सारी बातें सारी क्या होती हैं? पास्ट. राइट. राइट. सुनो. यस सर. नो, उससे पहले की भी तो पास्ट ही होती है. अगर हम बात करें बाबर के टाइम की, हुमायूं के टाइम की, तो अभी तो क्या है जतिन? पास्ट. और पास्ट का मतलब second home. ये मतलब क्या है इसका मतलब? Second home. नहीं, इसका मतलब है विमल इलायची. क्या है इसका मतलब? विमल इलायची. दाने दाने में है केसर का दम, है ना. तो ऐसे जब भी हम करें तो समझ जाना इसका मतलब क्या है. अरे सेकंड फॉर्म है. सीरियस ले गया मत को. ये क्या है? सेकंड फॉर्म है. और कभी कुछ लोग गलत समझाते यो यो, ये यो यो भी नहीं है. ये क्या है? ऐसे करो. सेकंड फॉर्म पता ना क्या होती है? क्या होती है? पास्ट. हाँ कुछ तो निकल रहा था, तो आप पापे क्यों रुक गए? पास्ट. सेकंड जैसे गो है, वेंट होती है, गोन होती है. तो गोन तो थर्ड होगी, गो फर्स्ट होगी. सेकंड वाली क्या है? वेंट है, वो सेकंड फॉर्म है. प्ले प्लेड, प्लेड, डांस डांस डांस, तीन फॉर्म होती हैं. जब भी मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा किया था, जैसे मैंने इसको थप्पड़ मारा था कल, मारा था, कैसे बोलेंगे? अरे मसाज ले ले थोड़े से. आई आई स्लैप्ड. सेकंड फॉर्म ना. हाँ फिर से बोलो. I slept yesterday. Slept नहीं बेटा, slept तो सोया था मैं, ये हो गया. I slept yesterday. सोया था मैं, तो कैसे बोलूँगा? I slept yesterday. Slept, slept. और मारा था थप्पड़ तो slap होता है. Slap की slapped. बोलो. I slept yesterday. कैसे बोलेंगे? I slept yesterday. मैंने इसकी मसाज की थी ना कल.
और अभी भी की थी तो पास्ट की बात है। आई मसाज डिम, कैसे बोलूंगा? जब कोई काम किया था तो बोलूंगा सेकंड फॉर्म। क्या बोलूंगा? सेकंड फॉर्म। मैंने इसकी मसाज की थी, आई मसाज डिम, कैसे बोलूंगा? आई मसाज डिम। और जब कोई काम चल रहा है तो आईएनजी लग जाता है, अभी भी तो कर रहा हूं, आई एम मसाजिंग हिम, कैसे बोलूंगा? आई एम मसाजिंग हिम। तेज लग गया, तेज लग गया, नहीं लगा, अब लगा? मसाज कर रहा हूं मैं, आई एम मसाजिंग हिम, कैसे बोलेंगे? मसाज कर रहा हूं, जैसे ऐसे अभी कर रहा हूं ना, वो करते ही कर दी, डन। काम हो, जब काम हो जाता है, अभी अभी तो हैव लगाएंगे हम, हैज हैव मसाज कर दी, और मैंने कल की थी तो मसाज। क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं, बोलना बेटा कुछ भी गलत बोलो कोई मैटर नहीं करता। क्या बोला? मैंने कहा था ना ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ज्यादा ना, तो पीटूंगा थोड़ी ना मैं, मसाज करूंगा बस। आई विल मसाज, आई विल बोलो, आई विल मसाज कर रहा हूँ तो कल के लिए बेटा हैव नहीं आएगा, ये लकीरें बदलनी पड़ेंगी आपके माथे की, इनमें कुछ गलत है। तो मैंने मसाज कल की थी ना, सेकंड फॉर्म लगा, मैंने उंगली भी ऐसे की थी, आपने देखी नहीं? नहीं। फिर भी गलती की। ये तो फिटने के काम है ना, तो मैंने मसाज की थी, आई मसाज डी एस्टरडे, कैसे बोलेंगे आर्यन? आई मसाज एस्टरडे। देखो खुजली कर रही है, ऐसे ऐसे लगी पड़ी। बोला आपने आई एन जी, बोलो खुजली कर रही है, करो पहले करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे लग जाओ, चाह जाओ रे, करो। बोलो आई एम स्क्रैचिंग, बोलो आई एम स्क्रैचिंग एन इच, अरे कर लो भैया कर लो, मौका है, आई एम स्क्रैचिंग एन इच, फिर से बोलो, फिर से बोलो, जब तक आई एन जी लगाओगे ना करनी पड़ेगी, तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा, बोलो आई एम स्क्रैचिंग, कर ली, हो गया हो गया हो गया, आई हैव स्क्रैच्ड, कैसे बोलेंगे? आई हैव स्क्रैच्ड, तो बोलो आई हैव स्क्रैच्ड। वो देखो बैठा तो पीछे है, पीछे बैठा बैठा मक्खी नहीं उड़ा रहा, हमें उड़ा रहा है, शुक्र है वो पीछे बैठा, अगर आगे बैठा होता ना मक्खी नहीं तुम्हें उड़ा देता। तो उड़ाने को क्या बोलते हैं? अरे ये वाला उड़ाना, दूसरा उड़ाना, ये नहीं पता, इसे बोलते हैं फार्ट। क्या बोलते हैं? फार्ट। बोल ऐसे करो, सर फार्ट कर रहा है, ही इज फार्टिंग, ही इज फार्टिंग, कैसे बोलेंगे? ही इज फार्टिंग। काम कर दिया, ही हैज फार्टेड। ये कब बोलना आपको? जब ऐसे आवाज आए, अरे सर कर दिया, बोलो कर दिया, हो गया काम, बोलो ही हैज फार्टेड। क्या आप भी करते हो? सभी करते हैं भाई, नेचुरल नहीं तो इट्स नेचुरल, बोलो इट्स नेचुरल, वंस अगेन इट्स नेचुरल, सभी करते हैं, एवरीवन एसएस लगा दो, एवरीवन फार्ट। देखो कुछ लोग सोचते बड़े एवरीवन वगैरह प्लूरल हैं तो एसएस नहीं लगाते इसके साथ, एवरीवन ईच एंड ईच एंड एवरीवन समवन समबडी ऐसे कुछ भी वर्ड आपको मिल जाए ना वो सिंगुलर की तरह ही काम करते हैं नितिन, ठीक है? तो सभी क्या करते हैं? हां सिंगुलर की तरह काम करते हैं, एसएस लगा दो फिर एवरीबॉडी क्या करते हैं? क्या आप करते हो? कैसे पूछेंगे? Do you fart? कैसे बोलेंगे? Do you fart? मैं नहीं करता सर। No, I don't fart. आर्यन तो करता है। आर्यन farts. अरे सर सभी करते हैं। Everyone farts. ये करता है तो? He farts. पूछूंगा कैसे क्या ये करता है? Does he fart? जैसे do you था ऐसे does he हो जाए, नीचे क्या देख रहा भाई? विमल नहीं थूक रहा कुछ ज्यादा ही जोर से इतना जोर यू फार्टेड विद प्रेशर विद फुल पावर ऑल इज माइट क्या बोलते हैं ऑल इज माइट या फुल पावर से बोलते हैं ऑल इज माइट कैसे बोलेंगे ऑल इज माइट तो इसने काम कर दिया हैज लगा लो चाहे सेकंड फॉर्म लगा लो यहाँ पे ही फार्टेड विद ऑल इज माइट कैसे बोलेंगे अब देखो हमारे ये सॉफ्ट बॉक्स भी इट वॉज वेरी सॉफ्ट मैन क्या हुआ इतना तो किया भी नहीं था जब वहाँ सीट बदल ली या आप भी कोने में गए हो कुछ ओके ओके नाउ लिसन 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 ऑल माइट होता है फुल पावर फुल हाँ तो इसने ऑल पूरी जितने भी इसके अंदर दम था तो इसे हम बोलते ऑल माइट जरूरी नहीं कि यहीं पे यूज करो कहीं और भी कर सकते हैं ठीक है ना ऑल माइट अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको उसने हराने में हाँ उसने एग्जाम पास करने में पूरी ताकत लगा दी क्या कर दी ऐसे जरूरी नहीं कि वैसे मतलब पढ़ के ही
मुझे से कि हो सकता है पैसे खिलाए हों, हर तरीका अपनाया उसने अपनी पहुंच तक भी, हाँ, तो उसने उस कुछ भी ऑल माइट मतलब फुल पावर के साथ। ओके, तो क्या प्रैक्टिस करते हो? कर रहा हूँ। क्या ये करता है? डज ही प्रैक्टिस? क्या बोलेंगे? डज ही प्रैक्टिस। ये नहीं करता? कौन करता है फिर? हू प्रैक्टिस। अपना चिंटू करता है। चिंटू प्रैक्टिसेस। इतना क्लियर है? अब देखो, ये तो क्या मैं पूछ रहा हूँ, करते हो, कर रहे हो, कर लिया है, इतना समझ में आ गया? मैंने कोई पास्ट में काम किया था तो खुजली कर ली बिना बताए। I have scratched an itch. क्या बोलोगे? I have scratched an itch. मैं खुजली कर रहा हूँ तो? I have scratched an itch. Okay. हाँ बोलो बोलो, कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, पर बोल तो दिया करो एटलीस्ट। आपने कहा ना I am scratching. हाँ तो बोलो I am scratching करो। मैंने कल की थी खुजली। I scratched yesterday. कल मैं आया था। कल मैंने पढ़ाया था। कल तो नहीं पढ़ाया मैंने। I didn't. अब देखो, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर मैंने कोई काम किया था तो मैं लगाऊंगा सेकंड फॉर्म। क्या लगाऊंगा? सेकंड फॉर्म। तो पानी पकड़ा दो मुझे। कैसे बोलूंगा? पास मी द वाटर। कैसे बोलेंगे? पास मी द वाटर। टेक इट तो छोड़ा, आपने बोला सर आई एम गिविंग। क्या बोलना चाहिए? आई एम गिविंग। इसने पानी मुझे दे दिया तो आई एम गिविंग। ही हैज गिवन। और वो क्या बोलेगा? आई हैव गिवन। मैंने पानी ले लिया। मैं पी रहा हूँ। पी रहा हूँ। टेकिंग ठीक है, खाने पीने की जगह टेक लगाना है। मैंने पानी पी लिया। आई हैव टेकन। मैं रख रहा हूँ इसे। I'm putting it on the chair. मैंने रख दिया तो I have put. क्या बोलूँगा? कल मैंने रखा था ना यहीं पे। Yesterday. I put की सेम फॉर्म put ही होती है। I put. कल मैं आया था। मैं कल खेला था। कल मैंने पढ़ाया था। कल मैंने इसकी मसाज की थी। I massaged him. कैसे बोलेंगे? फिर से मसाज कर रहा हूँ। I'm massaging again. कैसे बोलेंगे? अब देखो, मैंने बताया कि मैंने कल ये काम किया था तो सेकंड फॉर्म लगा दी। जब हम पूछेंगे कि क्या आपने ये काम किया था, क्या आपने ये काम किया था, तो बोलेंगे डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे? डिड यू एक्शन। फिर से बोलो। डिड यू एक्शन। आपने कल पढ़ाया था क्या? डिड यू टीच। क्या आप कल आए थे? Did you not? कल आपने खुजली की थी? Did you fart? और कल भी किया था क्या आपने? Did you fart? सारे बच्चे भाग गए थे। क्या आपने किया था कल? Did you fart? कैसे बोलेंगे? Did you fart? सर हाँ, कल भी ब्लास्ट किया था मैंने। Yes, I blasted yesterday. Second बोलोगा I farted yesterday. कैसे बोलेंगे? I farted. क्या आप कल खेले थे? बोलो। टुमोरो तो बेटा आने वाला कल होता है, बीता हुआ कल खेलोगे ना। टुमोरो के लिए तो विल लगाओगे, कल मैं खेलूंगा। जब कोई काम करोगे तो आई विल प्ले टुमोरो, और पिछले कल खेला था तो यस्टरडे आई प्लेड यस्टरडे। क्या आप खेले थे? क्या आप खेले थे? Did you play? Loudly. Did you play? मैं खेला था। Yes, मैं प्लेड बेटा प्लेड नहीं खेला था। I क्या तुम खेले थे? पास्ट के लिए कैसे होगा? Did you action? किया था तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म, नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन। खेले थे क्या? डिड यू प्ले? मैं खेला था आई प्लेड, नहीं खेला था आई डिडंट प्ले। मैं खेलता नहीं हूँ आई डोंट प्ले। क्या वो खेलता? डज ही प्ले? वो नहीं खेलता आई डजंट प्ले। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? मैं नहीं खेलता आई डोंट प्ले। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? राइट। क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। क्या तुम खेले थे? डिड यू प्ले? क्या वो गया था? डिड ही गो? क्या वो नाचा था? डिड ही डांस? क्या तुम कल आए थे? डिड यू कम? समझ में आ रही चीज़ें? क्या तुम आए थे कल? वंस अगेन, डिड यू कम यस्टरडे? मैं नहीं आया सर। कौन आया था सेकंड फॉर्म? Who came yesterday? फिर से बोलो। Who came yesterday? चिंटू आया था। चिंटू came yesterday। कैसे बोलेंगे? चिंटू came yesterday। कल तुमने प्रैक्टिस की थी? Did you yesterday? क्या तुमने कल खाना खाया था? Did you take food yesterday? क्या तुम नहाए थे कल? Did you take bath? क्या तुमने कल डेंगे हाँ की थी? Did you know? वासी ले ली। I'm yawning. ये वासी ले रहा तो? किसने उबासी ले ली सर? Yes, your. बोलो टाइम से सोया कर। बोल इसको, बोल इसको, बोल टाइम से सोया कर। इंग्लिश में सलाह दो इसको। You should sleep. भाई आप भी दे दो सलाह, आपके बगल में बैठा। ऐसे नहीं उंगली करो इसकी तरह। बोलो यू शुड स्लीप ऑन, ऐसे करो भैया जतिन, ऐसे यू शुड स्लीप ऑन टाइम। आप इसको सलाह दे दो टाइम से आया कर। आप बोलो टाइम से आऊंगी मैं। Will. Come on time. इसको आप बोलो टाइम से आकर। You should
आप बोलो होते कौन सलाह देने वाले, ऐसे करो ऐसे. Who are you to advise me? कैसे बोलेंगे? Who are you to advise me? उससे बोलो Who are you to advise me? तुम कौन दोस्त सलाह देने वाले? हाँ समझ में आई बात. इसको सलाह दे रहे हो, दूसरे को सलाह नहीं देनी चाहिए. बोलो इसको सलाह दो, दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए. You should not advise others. कैसे बोलेंगे? You should not advise others. क्या आप दूसरों को सलाह देते हो? नो नहीं, बड़ा इंग्लिश क्या होगी इसकी. कह रहा नो सर. क्या दूसरों को सलाह देते हो? Do you advise others? कैसे बोलेंगे? मैं सलाह नहीं देता. कल एक को सलाह दी थी मैंने. Yesterday I advised a person. चाम उतार दिया सर उसने. चाम उतारना होता है जब उन्होंने खालू देड़ दी, चाम उतार दिया मतलब पीट पीट के लाल पीला कर दिया, तो बोलते हैं बीट बाइट. नहीं बेटा बाइट तो उसने काट लिया सर दांतों से, काटी काटी कर ली. काटी काटी नहीं करना, बीट होता है पीटना. फॉर्म में भी लोग गलती करते हैं. बाइट बिट बिटन और बीट बीट बिटन. बीट बीट बीटन लंबा खींचना है, ठीक है ना. कुछ लोग क्या करते हैं, बिट वो तेज बोल देते हैं, तो बिट तो क्या काटने वाला होता है बीट, और बिटन होता है वो भी काटने की थर्ड फॉर्म. लेकिन पीटने वाले की क्या होती है? बीटन. क्या होती है? जैसे ये कह रहा था कल मेरे पापा ने मुझे पीटा. क्या बोला? My father beat me yesterday. क्या बोला? My father beat me yesterday. इसके पापा ने इसे काट लिया कल. कहाँ निशान दिखाओ? देखो कान खा लिया बेचारे का. तो बिट नहीं बोला बेटा, बीट. माई फादर बीट मी यस्टरडे. क्या बोलेंगे? Once again. वैसे हैज़र के साथ बीटन हो जाता है. बीटन नहीं है ना, जैसे इसके पापा ने इसे पीट दिया अभी की बात है, तो इस फादर हैज बीटन. कैसे बोलेंगे? बीटन तो नहीं बोलोगे ना, तो फिर वही हो जाएगा, इसके पापा ने अभी भी काट लिया इसको. ठीक है, आई बात समझ में. जैसे उसको कुत्ते ने काट लिया था, है ना, उसको कुत्ते ने काट लिया, काम हो गया, अभी भी हुआ है तो चुप मत हो, अगर बोलते रहा अगर बोलो. और कल काटा था तो और पूछे कैसे, क्या कुत्ते ने काट लिया था कल तुम्हें? मुझे पता था यू कहोगे. भाई इसने कुत्ते को थोड़ी ना काटा था, मुझे तुमने कल कुत्ते को काट लिया था. तो डिड डॉग बाइट यू? डिड यू नहीं, क्या हो सकता है? पूछ लो, तुमने कल कुत्ते को काट लिया था? पूछो ऐसे नहीं, गर्दन घुमाओ. I didn't bite the dog. कैसे बोलेगा? I didn't bite the dog. मैंने नहीं काटा था सर. बोलो. No, I didn't. वो तो मेरे भाई ने काटा था. My brother bit. फिर से बोलो. My brother bit. मैं तो बस भोका भोका था. I just bit. बार को तो भोकना है ना, मैं भोका था. क्या तुम भी भोकते हो? मैं तो नहीं भोकता, मेरा भाई भोकता है सर. क्या ये भोकता है? ये नहीं भोकता. कल भोका था. क्या बोला? ऐसे करने के बाद भी ऐसे कैसे लगाने की हिम्मत होगी तेरी? हाउ डेयर यू? कैसे बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? मुझसे हाउ डेयर यू कहता है तू? है इसको प्रसाद चाहिए. कैसे बोलेंगे? He wants प्रसाद. कैसे बोलेंगे? He wants प्रसाद. फिर से बोलो. He wants प्रसाद. मेरा त्रिशूल कहाँ है? कैसे बोलूँगा? Trident. कैसे बोलेंगे? Where is my trident? Where is my trident? कैसे बोलूँगा? Where is my trident? Once again. Where is my trident? Where is my trident? कैसे बोलेंगे? Where is my trident? Here is my trident. Where is my trident? Here is my trident. Where is my trident? हाँ तो हाउ डेयर यू क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू. हम की बात ओके, पास्ट की बात है तो सेकंड होम. क्या पाए थे कल? अपने फोन किया था क्या मुझे कल? डिड यू कॉल मी अप? फिर से बोलो. डिड यू कॉल मी अप? वंस अगेन. डिड यू कॉल मी अप? आए थे क्या कल? डिड यू कल मूली के पराठे खाए थे क्या? डिड यू टेक द पराठास ऑफ मूली को क्या कहते हैं? रेडिश. क्या बोलते हैं? पूछ लो उससे. डिड यू टेक द अरे पूछ लो ना. डिड यू टेक द पराठास ऑफ रेडिश?
आई डिडंट. सोच के देखो बिना खाई ये हाल है. इफ ही ईट्स, इफ ही ईट्स, कैसे बोलेंगे तो क्या होगा फ्यूचर की बात है ना. व्हाट विल हैपन, बोलो भैया ऐसे बात नहीं. अच्छा बोलो, व्हाट विल हैपन. ग्लोबल वार्मिंग, नहीं कोरोना, ये बार बार फैल रहा है ना. ग्लोबल वार्मिंग के तो तुम ही जिम्मेदार हो, है ना. तो दोनों एक जैसे है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे. तो बोलते हैं टार्ड विद द सेम ब्रश. क्या बोलते हैं? टार्ड विद द सेम ब्रश. ये भी कह सकते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर. कैसे बोलेंगे? बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर. बोलो दोनों क्या है? एक ही मतलब पंख वाले पक्षी है, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. Both are the birds of same feather. बोलो both are the birds of same feather. Both are the same of birds feather. हाँ, एक की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है. Because of one. Because of one. फिर से बोलो. Because of one. Global warming. Global warming बढ़ रही है ना? बढ़ रही है बेटा, काम चल रहा है continuously. Increasing. कैसे बोलेंगे? Increasing. और इसी वजह से क्या हो रहा है? कोरोना आ रहा है बार बार, कोरोना बढ़ रहा है. एंड बिकॉज ऑफ हिम कोरोना इज इंक्रीजिंग. आपको मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए, सलादों से. जतिन आप चला नहीं दोगे वो नहीं मानेगा ऐसे, सलादों से. नॉट ईट द पराठास ऑफ रेडिश. रबिश, रेडिश. फिर से बोलो सलादो ऐसे करके. मेरी तरफ क्यों मुंह कर रहा बाबा? मैं नहीं खाता कैसे कहूंगा? आई डोंट ईट. कैसे बोलेंगे? I don't eat. वो खाता है. Eats. कैसे बोलेंगे? Eats. कल भी खाए थे. Eat. या फिर ही एट कह लो ना, ही एट यस्टरडे. देखो अगर हम पराठा मेंशन नहीं कर रहे ना, या कुछ पता ही नहीं किसी को, तो टुक अकेला काम नहीं कर पाता. या तो क्वेश्चन में पूछा हो तो क्लियर है. जैसे हम तो पराठे के वैसे मेंशन कर रखा है, तो टुक भी काम करेगा. अकेले टुक का मतलब खाना नहीं बनता फिर. तो अब क्या बोलते हैं? कल खाए थे. अगर मैंने इतना बोला मैंने कल खाया था, तो यहाँ पे ई टी लगाना पड़ेगा. क्योंकि आई टुक का तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने लिया था भी हो सकता कोई चीज़, है ना. टुक बात भी तो हो सकता है कि आप नहाए थे. डिड यू टेक अ बाथ? आई टुक. तो उधर नहाने के लिए हो गया. समझे मेरी बात? ओके. तो क्या, तो इसने कल खाए थे पराठे? कैसे बोलेंगे? ही took parathas yesterday. नहीं खाए थे. He didn't take parathas. मैंने खाए थे तो I took. I took. Eat का यूज करेंगे तो eat की सेकंड फॉर्म ate हो जाती है. I ate. Ate. कैसे बोलेंगे? I ate. अच्छा, उसके अलावा हमने ये भी सीख रखा कि जब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पूछने की, ये तो एक सिंपल हमारे सेंटेंसेस होंगे, राइट? तो जब तक हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो हम कन्वर्सेशन नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? जैसे मैंने पूछा क्या तुम जाते हो? डू यू गो. जब हमें जगह पूछनी है तो डू यू गो सेम रहेगा, उसके आगे लग जाएगा वेयर. क्या तुम गए थे? डिड यू गो. उसके आगे लग जाएगा वेयर. ठीक है, समय पूछेंगे तो व्हाट टाइम. मैंने पूछा क्या आप गए थे? डिड यू गो. कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो. कितने बजे गए थे? व्हाट टाइम डिड यू गो. क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो. कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो. कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो. फिर से बोलो. डिड यू गो हमारा सेम रहा. ऐसे ही डू यू गो, क्या आप जाते हो? कहाँ जाते हो? Where do you go? Where do you go? ना तो कहाँ जाते हो? क्यों जाते हो भाई आप? कितनी बार मना किया? कितनी बार मना किया मत जाकर? क्यों जाता है? पूछो क्यों जाता है? गुस्से में. Why do you go? Why do you go? आंखें बड़ी, आंखें ऐसे थोड़ी सी. Why do you go? बोलो. Why do you go? साउथ की मूवी नहीं देखते आप? कैसे पूछें? क्या आप साउथ की मूवीज नहीं देखते? Do you not? Do you watch? क्या आप देखते हो? तो नोट लगा दो. Do you not watch the movies of South? कैसे बोलेंगे? Do you not watch South? काट के रख देंगे बेटा. बोले? काट के रख देंगे. क्यों जाता है तू वहाँ पे? हैं? बोलो. झुकेगा नहीं. बोलो क्यों जाता है वहाँ पे? बोलना. पुष्पा क्या कहते हो इतनी हिम्मत? वैसे वो भी कमाल था, कह रहा है झुकेगा नहीं साला. देखो झुका पड़ा था पूरी मूवी, है ना. पूरी मूवी ऐसे रहा, बोला झुकेगा नहीं. तो क्या आप गए थे वहां पर? Did you go? कहां गए थे? Did you go? क्यों गए थे? Why did you go? क्यों गया था भाई? बता बता. इसकी कॉपी करता एज वाई का जवाब नहीं देना, सच बता. रीजन बता, हमारे आगे बीच नहीं चलेगी. अब बता क्यों गया था? व्हाई डिड यू गो? ऊपर क्या देख रहा है? क्या लिखा है?
क्यों गया था रीजन बता बेटा, पापा को बताऊंगा क्यों गया था, बता जल्दी, मुझे सब पता क्यों गया था, तू क्यों गया था वहाँ? क्या बोल गया? क्या बोल दिया? फ्रेश होने फ्रेश होने गया था, फिर ठीक है पापा को नहीं बताया है ना, तो ये बोलो फ्रेश होने गया था। He want to देखो ये तो freshen up कह दो या get freshened up कह सकते हैं। He went to get freshened up, कैसे बोलेंगे? He went to freshen up। इसका हमने एक क्वेश्चन और सीखा था, कितना वक्त आपको लगा? How long did you take? नहीं क्वेश्चन देखो लास्ट में है, क्योंकि ये गया था तो 5-10 मिनट का काम है, कितनी देर का काम है, लेकिन आया था 1 घंटे बाद। कितना वक्त लगा था आपको, कैसे पूछेंगे? How long did you take? फिर से बोलो। सर 10 मिनट लगी थी मुझे, I took 5 minutes। वैसे लगती कितनी देर आपको, कितनी देर लगती है? अरे पूछें कैसे, हाउ लॉन्ग डू टेक, वो कोई भी काम हो सकता है आपको, आप जाने में, खाने में, नहाने में, है ना, इस कितना वक्त लग जाता है आपको, नहाने में कितना वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक अ बाथ, है ना, टेक अ बाथ। ऐसे ही आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी। फ्रेशन अप पे पड़ा फिर भी भैया, तैयार भी हो जाओ, अब बाहर आ जाओ वॉशरूम से। हाँ फ्रेशन अप ड्रेस एंड वेयर, अरे रुक जाओ, वो मिक्स हो गया अगले का, वो ड्रेस भी मिक्स कर दी उसने और फैशन भी कर दिया, ड्रेस एंड अप, तो ड्रेस नहीं बेटा, या तो बोलो ड्रेस्ड अप या फिर गेट रेडी, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डू टेक टू गेट रेडी, कैसे बोलेंगे? आपको कितना समय लगा था तैयार होने में, बोलो। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, सर मुझे 2 घंटे लगे थे, आई टुक। वैसे ऐसे तो महिलाओं को लगता है ना 2-2, 3-3, 5-5 घंटे। वैसे एक बात देखिए, मैंने शादियों में महिलाएं एक ना कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे कहा, कॉन्टिन्यूस, और मैं क्या कहता हूँ कि जब कोई काम फिनिश हो जाता है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो जाती है, बट ये काम कभी थर्ड फॉर्म में आता ही नहीं मैंने देखा है। शादियों में देखना, कभी पहले ही बता दिया जाता है कि इस तारीख को शादी है, इतने बजे की बारात है, घुड़छड़ इतने बजे, सब कुछ इतने बजे, प्रोग्राम है सारा कुछ, राइट। और जब तैयार होने की बात होती है ना, फाइनल डे आ गया है, अब महिलाओं की तैयारी पहले से चल रखी थी, हालांकि कि उस दिन मैं ये झुमके पहनूंगी, ये लहंगा, ये सब कुछ है ना। अब सुबह सुबह पति पूछता है कि हैव यू गॉट रेडी, क्या पूछता है? बोले आई एम गेटिंग रेडी, क्या बोलती है? हो रही हूँ तैयार, क्या बोलेगी? ठीक है शाम को जाना है 5 बजे, कितने बजे? वी विल गो एट 5 o'clock, राइट। तो ऐसे करते करते 3 बज गए, 3 बजे पति अगर पूछेगा ना, हाँ जी तैयार हो गई, हैव यू, ऐसे लगी पड़ी रहेगी, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे करना, हो रही हूँ तैयार, बोलो आई एम गेटिंग रेडी, कैसे बोलेगी? बस अभी हो जाएंगे ना, आई विल गेट रेडी जस्ट आफ्टर सम टाइम, राइट, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स के बाद भी पूछ लेगा ना पति, हैव यू गॉट रेडी, हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। करते करते 4 बज गए, अब उसको दिख रहा है कि 1 घंटा रह गया है ना, फिर भी 1 घंटे में, अब पति ऐसा होता है जब तैयार हो जाता है ना, अपना बनियान पहन के और चड्डी पहन के बैठ जाता है, और जो प्रेस हुए जो कपड़े होते हैं आयरन, उनको लगा देते खूंटी पे, जैसे ही अखबार हॉर्न बजेगा गाड़ी आ गई, पहन के चुपचाप निकल जाता है ना, इतना ही तैयार होना होता है एक आदमी को। लेकिन महिला फिर भी आई एम गेटिंग रेडी, बोलो फाइनली ना, वैन बाहर आ जाती है, गाड़ी बाहर आ जाती है, पति पूछता हैव यू गॉट रेडी, क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। 5-10 मिनट बाहर खड़ा रखते हैं उसको, जब पति गुस्सा हो जाता है ना, खड़े हो जल्दी, ये छोड़ के चले जाएंगे, बारात के बाद जाएगी तू, बोली आई हैव गॉट रेडी, क्या बोलती है? फिर बोलती है आई हैव गॉट रेडी, जितनी भी लिपस्टिक वगैरह कुछ बैठ पे हो रखी है ना, बिखरी हुई स्कैटर्ड होती है, सबको इकट्ठा करती है, आगे वैन में बैठती है और उसमें शीशा खोलती है, आई एम गेटिंग रेडी। तो यार तब भी नहीं होती, वो तो डर के बोल दिया था आई हैव गॉट रेडी, तब भी क्या होता है? लिपस्टिक तो लगा, तभी तो गेटिंग रेडी होगा, बोलो होगी मतलब, बोलो आई एम, इससे बोलो आई एम गेटिंग रेडी। हाँ किसकी बहू है तू जो तैयार नहीं हो रही, पार्टी निकल जाएगी। वो है ना M4 पप्पू, एम फोर पप्पू कैसे हो जाता है? कुछ आसपास तो बताओ कम से कम, पी फोर पप्पू होता है, एम फोर पप्पू, एम फोर मांगे की बहू, एम फोर, और जब डब्ल्यू की बारी आई ना, पूछा ये बता क्या है, बोला सर लग तो मांगे की बहू ही रही है लेकिन पैर ऊपर कर रखे।
है तो मांगे की बहू लेकिन अब की और पैर ऊपर कर रहे हैं लेकिन एम पर पप्पू समझ नहीं आया मुझे नहीं पप्पू ही कह रहा था अच्छा उस पर आ जाता है एम गेटिंग रेडी पे वो तब भी मेकअप ही चल रहा होता है और जहाँ पहुँच जाते हैं ना शादी में बिल्कुल लेट जब से बार फेरे हो रहे हैं और फिर भी पता लेडीज़ क्या कह रही होती है यार मेरा लस्कारा तो रह गया है ना यार वो लगना तो रह गया मैचिंग वो लेके आई तो घर पे ही रह गई अगला दिन निकल जाता है ना तब भी है कहते मेरा वो रह गया मेरा ये रह गया तो ये कंटिन्यूस में ही रहता है क्या रहता है कंटिन्यूस में तो तैयार हो रही हूँ लिपस्टिक मैं लगाऊंगा करो मैं तैयार हो रही हूँ बोलो आई एम गेटिंग रेडी बोलो मैं तो आदमी हूँ ना मैं तो हो गया तैयार आई हैव गॉट रेडी फिर से बोलो आई हैव गॉट रेडी ओके क्या कल तुम तैयार हुए थे गर्दन बाद में चटकाना पहले सेंटेंस बोलो बोलो डिड यू गेट रेडी डिड यू गेट रेडी डिड यू एक्शन डिड यू गेट रेडी कैसे बोलेंगे डिड यू गेट रेडी मैं हुआ था तैयार यस आई गेट रेडी गुड हुआ था ना कल की बात है ना जतिन इसको पता कुछ इसको समझ नहीं आ रही बार बार मैं ऐसे करता हूँ उंगली दुखने लग गई मेरी आई गॉट रेडी हाँ बता इसको क्या लगेगा हाँ इसको इसको बता मुझे क्यों बता रहा मुझे तो आता है इसको बताना है नहीं बताएगा अरे बता दे इसको बता दे अरे भाई बता दे जतिन बोलो आई गॉट रेडी इसको बोल आई गॉट रेडी आएगा आई गॉट रेडी आएगा ये तो बता कल की बात है ना सेकंड फॉर्म है नहीं इसको इसको बताना है कि भाई कल की बात है तो सेकंड फॉर्म लगा दे बोल दो इसको जतिन आई गॉट रेडी यस्टरडे आप बताओ इसको इसको समझ नहीं आ रही इसकी बात बोलो बोलो जल्दी बोलो हाँ तो सेकंड फॉर्म मुझे एक मत बताओ मुझे आती है हाँ सेकंड फॉर्म आएगी समझ में आएगी समझ में आई यस सर नहीं आई हैव गॉट इट आई हैव गॉट इट जब समझ में आता है तो क्या लगाते हैं थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना काम हो गया विशाल क्या लगाते हैं अरे थर्ड फॉर्म लगाते हैं मैं समझ गया फिर से बोलो क्या तुम कल आए थे आया था क्या बोल दिया मैं ना आई एम टेकिंग माई सीट कितना ही ऐसा करता रहूं कितना ही तुम तो है ना है? कम कभी सुना इतनी बार हमने केम केम बोला आई केम यस्टरडे क्या बोला था आई केम यस्टरडे फिर कम कैसे हो गया स्टबन स्टबन और इंसोलेंट यू आर इंसोलेंट आपको इंसोलेंट नहीं होना चाहिए यू आर नॉट इंसोलेंट यू शुड नॉट नहीं बट एक्शन तो रह गया होने की इंग्लिश होती बी You should not be insolent. कैसे बोलेंगे? You should not be insolent. Okay, मैं पानी पी रहा हूँ. I am drinking water. हाँ? I am drinking water. मैंने पानी पिया था तो? I am drinking water. पिया था वहाँ? I am drinking water. अभी पी लिया तो? I am drinking water. पी रहा हूँ? I am drinking water. क्या आप भी पानी पीते हो? Do you drink water? सब पीते हैं सर. Everyone takes water. फिर से बोलो. Everyone takes water. Okay, क्या आप सुन रहे हो मुझे? सुन रहा हूँ मैं. Okay, क्या आप गए थे वहाँ पर? गया था. बड़ा went went. I went. कहाँ गए थे आप? क्या बोला? Loudly. क्यों गए थे? कहाँ गए थे? कितना वक्त लगा था जाने में? What time तो बेटा कितने बजे गए थे? मैंने पूछा कितनी देर लगी थी आपको? How long did you take to reach? फिर से बोलो. कैसे गए थे भैया कैसे? How? सर मैं अपने घोड़े पे गया था. कैसे बोलोगे? I went on my horse. कैसे बोलेंगे? I went on my horse. तुगड़िक तुगड़िक बोलो. बोलो तुगड़िक तुगड़िक. तुगड़िक तुगड़िक. घोड़े पे गया था. अरे इंग्लिश में बोलो. I went on my horse. कैसे बोलेंगे? कितना वक्त लगा आपको जाने में? मुझे सर 2 घंटे लग गए थे जाने में. I took 2 hours to reach there, right? क्यों गए थे भैया आप? क्यों गए थे? Why did you go? Why did you go? Go नहीं होता कभी भी क्योंकि इंग्लिश में ओ साउंड ही नहीं होता हम बोल देते हैं गो नो सो है ना इट्स गो नो तो क्यों गए थे गाओ नहीं बेटा थोड़ा सा गो गो या Why did you go? Why went there?
I'm talking about the people and understand the mind. What I'm saying, you are getting my points. WWE, you know, catch the ball. You go. No. I would say John Cena. You must have watched WWE, right? They don't say WWE. It's WWE. What do you think, John Cena? You want to kill me? Bolo, you want to kill me? You can't kill me, man. You can't see me. Bolo. You can't see me. 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 America is not teeny ball. You can't see me. You can't see me. You can't see me. You are the attacker. You are the attacker. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I will see you in the ring. अमेरिकन की जरूरत नहीं, नॉर्मल पे आओ पहले, मैं तुम्हें देख लूंगा रिंग में. आई विल सी यू इन द रिंग. और अमेरिकन में आई विल सी यू इन द रिंग कैसे बोलेंगे? रिंग नहीं, रिंग 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 रैट वाटर 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 टीचर 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 प्लम्बर रिंग Rat. 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 Right. Right. क्या बोला मैंने? Right. Right नहीं. Right. 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 I'll soon rain. I'll soon rain. What's going on? What's going on? I can't tell you about the people. I can't tell you about the people. Of India. Of India. I am. I am. Great Kali. Right. Okay. तो समझ में आ रहा है ना कैसे बोलना है? ऐसे नहीं बोलना है तो ऐसे ऐसे हाँ. वेयर व्हाट टाइम सबको समझ में आ गया? आई थिंक काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया बेटा. इज देयर एनी डाउट? अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. बोलो क्या करनी है? सेल्फ प्रैक्टिस. करोगे क्या? तो क्या करते हो? डिड यू क्या आपने की थी? करोगे? विल यू प्रैक्टिस? कैसे बोलेंगे? विल यू प्रैक्टिस? यस. आई विल प्रैक्टिस. मैं नहीं करूँगा. आई विल नॉट प्रैक्टिस. कैसे बोलोगे? I will not practice. और will not को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जैसे I will को बोलते हैं I'll. I'll practice. और नहीं करूंगा तो I will not का क्या बन जाएगा? तो बन जाता है I'll not. नहीं बनता बेटा, I won't होता. WON apostrophe T. ये देखा होगा आपने कई बार बुक में. इसको देख के इग्नोर करते थे. होता क्या है? won't पता नहीं था सके ना. तो बोलो I won't, मतलब will not का शॉर्ट फॉर्म होती है. कैसे बोलेंगे मोहित? I won't practice. कैसे बोलेंगे? I won't practice. और आप कहो मोहित वैसे मूली के पराठे नहीं खाऊंगा. I won't eat the patas of radish. कैसे बोलेगा? I won't eat the patas of radish. सलाद नहीं खाने चाहिए आपको. You should not eat. और खा लो तो आना नहीं चाहिए फिर. If once you eat, then you should not come here. कैसे बोलेंगे? You should not come here. हाँ, इसने बिल्कुल सच्ची सलाह दी. फिर से बोलो गुस्से में. You should not come here. Otherwise. You. ये इतना मत बोलो, बार पकड़ लेगा. ये मजाक तक तो ठीक है, सच में मारेगा. वो था ना मोहित, एक बार इनके पड़ोसियों की लड़ाई हो गई थी, मुझे याद है. बहुत मारे थे इसने पड़ोसियों को. और एक ही गाँव से हो ना दोनों के दोनों. तो आज के लिए काफी है. अब बंद करो ये सब. कैसे बोलेंगे? Let's call it quits. कैसे बोलेंगे? Okay, done. अब बेटा एक काम करो, अपनी चेयर्स टर्न करो, एक सर्कल बना लो. अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी. फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप. जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा. जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो. इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100 प्लस वीडियो सेशंस, 50 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है. और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं. सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है. बाय गॉड्स ग्रेस गूगल से लेकर
प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट. इसीलिए तो दादा ने भी कहा है. क्या कहा है खुद ही सुन लो. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करे अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार. डाउनलोड दिया नाउ.